देश और पंजाब नेशनल बैंक को 11,300 करोड़ रुपए की चपत लगाकर नीरव मोदी विदेश भाग चुके हैं। इस पूरे मामले का खुलासा देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा 13 फरवरी को हुआ था, यानी कि आज से ठीक एक सप्ताह पहले। इस पूरे एक सप्ताह में तमाम आरोप लगे, तमाम राजनीतिक आरोप लगे, तमाम जांच एजेंसियों ने इस पर कार्रवाइयाँ की, गिरफ्तारियाँ की। आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरे एक सप्ताह में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। 14 फरवरी को आधिकारिक तौर पर पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी और उसके साथियों द्वारा किए गए घोटाले की जानकारी बीएसई और एनएसई को लिखित में दी। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में बैंक ने अपने खत में 11,300 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। 15 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सुनील मेहता मीडिया के सामने आए। मेहता ने 123 साल पुराने पीएनबी की दुहाई देते हुए कहा कि बैंक ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और संस्था मुश्किल हालात पर कामयाब होकर उभरी है। मेहता के मुताबिक बैंक को घोटाले की खबर जनवरी 2018 में लगी। अंदरूनी जांच के बाद सीबीआई को 30 जनवरी को खबर दी गई, तभी से जांच शुरू है। सोलह फरवरी को नीरव मोदी की संपत्तियां जब्त करने का काम आयकर विभाग ने शुरू किया। ईडी सीबीआई ने भी देश के विभिन्न शहरों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। 29 संपत्तियों के साथ नीरव मोदी से जुड़े 105 बैंक खाते जब्त किए गए। 17 फरवरी को पीएनबी घोटाले में पहली गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के अलावा दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पीएनबी कर्मचारी मनोज खरट और नीरव मोदी ग्रुप के हेमंत भट्ट शामिल है। गोकुलनाथ शेट्टी पर बिना गारंटी नीरव मोदी को लोन देने का आरोप है। आरोपियों को मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने 3 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया। अठारह फरवरी को सीबीआई ने सभी संबंधित बैंकों को घोटाले के बारे में जानकारी दी और जांच में मदद करने की बात कही। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से घोटाले की जानकारी मांगी। बैंक से निलंबित अधिकारियों से सीबीआई ने पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ कि पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने स्विफ्ट पासवर्ड नीरव मोदी की कंपनी के अधिकारियों के साथ साझा किया था। उन्नीस फरवरी को सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार के सीएफओ विपुल अंबानी से पूछताछ की। निलंबित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों से पूछताछ 19 जनवरी को भी की गई। इसी दिन जांच के लिए सीबीआई ने पीएनबी की ब्रेडी हाउस ब्रांच को सील कर दिया। 20 फरवरी को नीरव मोदी का एक बयान सामने आया, जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक को खत लिखकर कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर दिया है, इसलिए अब बात बिगड़ गई है और बैंक ने उससे बकाया वसूलने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही नीरव मोदी ने दावा किया कि उसकी कंपनियों पर बकाया बैंक द्वारा बताई जा रही राशि से बेहद कम है। अब तक की जांच पड़ताल में जांच एजेंसियों के हाथ कोई बड़ी सफलता नहीं लगी है। ऐसे में अब तो नीरव मोदी के वकील भी कह रहे हैं कि एजेंसियां सिर्फ मीडिया में शोर मचा रही है। इसका भी हाल 2G और बोफोर्स घोटाले के समान होने वाला है। ऐसे में घोटाले के दोषी जब तक जेल नहीं पहुंच जाते, तब तक सरकार और जांच एजेंसियों के दावों पर सवाल उठना तो लाजमी है।